और जब हम लोग सेवा किसी की भी करते हैं ना, तो हम उसकी कोई धर्म देखते हैं कि वो किस धर्म का है, या जाति देखते हैं, या नेशनलिटी देखते हैं, या ना रंग देखते हैं कि वो श्वेत है कि किस वर्ण का है। और वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग इस्कॉन के एक एक भक्त को पकड़ पकड़ कर काटेंगे, मारेंगे। तो इस तरह की तो लैंग्वेज यूज किया जा रहा है। लेकिन जब सरकार का की तरफ से भी ऐसे बयान आने लगते हैं, तो इतने बड़े जो भी माइनॉरिटीज हैं, वो लोग बहुत ही अपने को असुरक्षित महसूस कर रही है। एक्चुअली हम लोग बहुत ही शॉक्ड हैं कि इस तरह से स्टेटमेंट आया है उनका। सभी विश्व पूरा जानता है कि इस्कॉन कितनी बड़ी ह्यूमैनिटेरियन संस्था भी है। हम लोग हमेशा लोग के सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं। आज तक पूरे विश्व में इस्कॉन ने कम से कम 8 बिलियन फ्री मील्स पूरे विश्व में डिस्ट्रीब्यूट किया है। कोविड हो, या कोई वॉर जोन हो, या सुनामी हो, या बांग्लादेश में कोई प्राकृतिक आपदा हो, या कहीं पर भी प्राकृतिक आपदा हो, इस्कॉन हमेशा लोगों के साथ में खड़ा रहता है, उनकी सेवा में रहता है। और हम जानते हैं कि इस्कॉन एक भक्ति मूवमेंट है, और इवन जब इस्कॉन प्रोटेस्ट भी करता है तो कीर्तन और खोल करताल के माध्यम से करता है। हमने ये भी देखा कि जो बांग्लादेश में भी जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, जो क्योंकि वो इसीलिए प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि उनके जान पर बनकर आई थी, और उनके सामने में उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, इसीलिए लोग रास्ते में निकल रहे थे। लेकिन उनके प्रोटेस्ट करने से और इस्कॉन को बैन करने से, मतलब ये बहुत ही आश्चर्य हो रहा है कि किस तरह इस्कॉन के अगेंस्ट में ये क्यों इस तरह की बात होने लगी कि इस्कॉन को बैन होना पड़ेगा। हमने सुना था कि पिछले 1-2 महीने से हम लोग देख रहे थे कि किस तरह कुछ कट्टरपंथी लोग हैं, वो इस्कॉन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोल रहे हैं और इस्कॉन को बैन करने की मांग कर रहे थे। लेकिन अगर एक अटॉर्नी जनरल ने ऐसा कुछ कहा है तो वो बहुत ही चिंता का विषय है, और इसकी हमें अपेक्षा नहीं थी कि इस तरह का कमेंट आएगा। बांग्लादेश में भी जो इस्कॉन है, लास्ट 50 से भी अधिक वर्षों से हमेशा वहां पर लोगों की सेवा करता है। और जब हम लोग सेवा किसी की भी करते हैं ना, तो हम उसकी कोई धर्म देखते हैं कि वो किस धर्म का है, या जाति देखते हैं, या नेशनलिटी देखते हैं, या ना रंग देखते हैं कि वो श्वेत है कि किस वर्ण का है। तो ऐसी संस्था को जो भक्त लोग एक चींटी को भी हम लोग हानि नहीं पहुंचाते हैं। हम लोग का जो आहार से, वाक्य से, हम किसी को कष्ट भी नहीं पहुंचाते हैं, किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाते हैं। तो ऐसे लोगों को टेररिस्ट बोलना, ये बहुत ही आश्चर्यजनक है। राज्य देश दुनिया सब गुरुत्वपूर्ण खबर एक लाइक और सब्सक्राइब कर इंडियन एक्सप्रेस बांगला।